लोकसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 18 अप्रैल को पहले चरण का मतदान भी होना है। सभी पार्टियां जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। बीजेपी ने इस बार 400 पार का नारा दिया है। पीएम मोदी भी कई बार 400 पार वाली बात कह चुके हैं। पीएम मोदी लगातार देश के अलग अलग राज्यों में रैलियां भी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने इस बार दक्षिण के राज्यों में खासा जोर दिया है। उनकी नजर महाराष्ट्र की 48 सीटों पर भी टिकी हुई है। यहां पर पीएम 10 अप्रैल से चुनावी प्रचार शुरू कर देंगे। पीएम मोदी की रैली से पहले एबीपी सीन वोटर ने सर्वे किया है। इस सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। यहां दोनों अलायंस में से कोई भी आगे की ओर निकल सकता है। सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों को 41-41% वोट मिल सकते हैं। वहीं अन्य के खाते में 18% वोट जा सकते हैं। अगर सर्वे की बात सही माने तो बीजेपी को ये बिल्कुल रास नहीं आएगा। बीजेपी का पूरा प्रयास है कि यहां से 45 से ज़्यादा सीटें जीती जाएं। हालांकि सर्वे में कांटे की टक्कर देखने के बाद हो सकता है कि बीजेपी यहां पर अपना प्लान आगे के लिए कुछ बदल भी दे। पीएम मोदी महाराष्ट्र में एक के बाद एक 18 रैलियां करेंगे। पिछले महीने हुए सर्वे में एनडीए को 43 और इंडिया अलायंस को 42% वोट मिलने की संभावना जताई गई थी, जबकि अन्य के खाते में 15% वोट जाता दिखाई दे रहा था। ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार एक महीने में ऐसा क्या हुआ कि दोनों गठबंधन का वोट शेयर कम हो गया है। महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के एनसीपी मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं इंडिया अलायंस में शामिल कांग्रेस, शिवसेना यानी कि यूबीटी और एनसीपी शरद पवार एक साथ चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, BBA, KSP जैसे दल भी ताल ठोक रहे हैं। महाराष्ट्र का वोटर अभी भी दुविधा में है, आखिरकार वोट किसे करे। शिवसेना में टूट हो चुकी है और वहीं एनसीपी भी दो फाड़ हो चुकी है। बीजेपी यहां पर एक अलग ही रास्ता तैयार करने में जुटी हुई है। पिछले दिनों महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे और गृह मंत्री अमित शाह के बीच मुलाकात हुई थी। बताया जा रहा था कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में मनसे को साथ लेकर चलेगी, मगर इस बारे में अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी बाहर नहीं आई। एक महीने के भीतर इंडिया अलायंस और एनडीए का वोट शेयर घटने के पीछे एक और कारण सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर फंसे पेच इसका बड़ा कारण हो सकते हैं। इंडिया अलायंस को लेकर सांगली, भिवंडी और दक्षिण मुंबई को लेकर तनातनी जारी है। इन तीनों सीटें पर एमवीए के बीच सहमति नहीं बन पाई है। उधर एनडीए में 6 सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। इसमें ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नासिक, संभाजीनगर और धाराशिव शामिल है।